लक्ष्मण और जानकी सहित वनवासी बने। यहाँ से सुमंत जी महाराज रथ में बिठा करके भगवान को लेकर के आए। तमसा के किनारे प्रथम निवास हुआ, प्रथम रात्रि निवास किया भगवान ने, और यहाँ से आज आधी रात के समय में ही सबको सोते हुए छोड़ करके भगवान आगे निकल गए, सुमंत जी साथ में। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना बड़ा सौभाग्य और कितना बड़ा संयोग मिला था अयोध्या वासियों को, भगवान के साथ अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना धाम काम सब छोड़ करके भगवान के साथ ये अवध से निकले थे। जहाँ राम रहेंगे वहाँ हम रहेंगे, लेकिन आज जब तमसा के किनारे पहुँचे तो पहली ही रात्रि में सब इतना बेहोश होकर के सो गए, और जब सब सो गए तो भगवान ने कहा अब आगे चलो। मतलब क्या है, जिसको इतना संयोग मिल गया हो, समय मिल गया हो, कृपा मिल गई हो, कि भगवान का ही सानिध्य मिल गया हो, फिर भी उसे दुनियादारी के किसी काम क्रोध लोभ मोह की निद्रा में सोना पड़ जाए तो भगवान निकल जाते हैं। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज गंगा के किनारे तक भगवान आए हैं, और यहाँ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर का मालिक भीलों का राजा निषाद भगवान की शरणागत बना। और जब निषाद ने भगवान की शरणागति ली तो एक बार तो ये बड़ा सुंदर बोल गया, महाराज यहीं बगल में मेरा गांव है, मैं भीलों का राजा हूँ, अयोध्या में ऐसा षड्यंत्र हो गया आपके खिलाफ कि आपको सिंहासन नहीं दिया और आपको अवध से निकाल दिया, पर महाराज मैं अयोध्या जैसे सिंहासन का अधिपति तो नहीं हूँ, पर छोटे से गांव का राजा हूँ, भीलों के गांव का। पर महाराज मैं चाहता हूँ आप मेरे गांव में चलें, हम सब भील 14 वर्ष तक आपकी सेवा करेंगे और आप हमारे राजा बन करके रहें। हम अक्सर कहते हैं कभी कभी बहुत छोटा सा दिखने वाला व्यक्ति भी भावना में बड़ा निकल जाता है। आज श्रृंगवेरपुर का मालिक निषाद, इसने सब कुछ मानो भगवान को अर्पण कर दिया। श्री भगवान ने इसको हृदय से लगाया, निषाद तू मेरा सखा है, और सखा मतलब अपने समान आदर दिया। जिस स्थान पर भगवान बैठते हैं उसी स्थान पर निषाद को बिठाते हैं, बगल में बिठाते हैं। जो लोग आज भी समाज में अनेक अनेक भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग जातियों के लोग हैं उनको इस बात पर बरगलाते हैं कि सनातन धर्म में तो उन जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उनको नीचा कह दिया, उनको अछूत कह दिया, ऐसे लोगों को ये इतिहास पढ़ना चाहिए, ये कथा पढ़नी चाहिए। भगवान श्री राम जो समाज में सबसे नीचे कहा जाता था उस जाति के भील को अपनी बगल में बिठाते हैं, इससे ज़्यादा सम्मान और कहाँ मिलेगा महाराज।